नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा की कार्यवाही 27 दिसंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित। अवरोध के चलते आज भी सुचारू रूप से नहीं चली कार्यवाही। सभापति ने गतिरोध पर जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की विधायकों से मुलाकात। गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। कांग्रेस की भी हिमाचल और गुजरात में समीक्षा बैठक। सीमा मसले पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में वार्ता जारी। डोकलाम विवाद के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के यांग जेची के बीच पहली बैठक। शांति बनाए रखने पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका को बड़ा झटका। यरूशलम को इजराइल की राजधानी घोषित करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित। भारत समेत 128 देशों ने किया समर्थन। और भारत और श्रीलंका के बीच इंदौर में दूसरा T20 मैच आज शाम 7 बजे। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज जीतने की कोशिश। गतिरोध के चलते सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही 27 दिसंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी है। गतिरोध के चलते आज फिर सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सभा पटल पर अहम मंत्रालयों से जुड़े पत्र रखने के तुरंत बाद शून्यकाल में कांग्रेस सदस्यों ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित टिप्पणी का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के अनुरोध के बावजूद विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बनने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आपने एक कमेटी बनाई थी इस गतिरोध को खत्म करने के लिए, उसकी एक ही मीटिंग हुई है और बातचीत चल रही है। आज इस वीक का आखिरी दिन है और ज्यादा बिजनेस भी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब तक आज ये गतिरोध खत्म नहीं होता है और उसको स्थगित किया जाए और मीटिंग जब होगी उस गतिरोध को खत्म करें, शाम तक खत्म करें, तो फिर आगे हम भी चाहते हैं कि बहुत से ज्यादा बिल पास हो जाएं, होश चले इस तरफ और ठीक है, मैंने सुना। सभी को अपनी अपनी बात करने का मौका मिले। तो मेरा ये कहना था कि सदन को चलने दें और तब तक कोई हल निकल आएगा। और आज वैसे भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस है और मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके बारे में इतने दिन 4 दिन सदन को ठप किया जाए, मैं समझता हूँ। इसलिए मेरी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है के पूरे हाउस को चलना दीजिए कि सदन में गतिरोध के बाद एडजर्नमेंट हो। इसीलिए एलओपी ने बोला है जब बातचीत हो रही है इस गतिरोध का समाधान निकालना आवश्यक है। विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा हो, सदन में बिल पास हो, इसलिए समाधान निकल जाएगा। पर अगर एडजर्नमेंट के लिए जब तक आहत है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति पर, ये बात हमने उठाई है। राज्यसभा में आज समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सांसदों के वेतन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मामले पर गौर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये मामला नेता सदन और वित्त मंत्री अरुण जेटली के ध्यान में लाया जाएगा और उचित समय पर इस पर चर्चा होगी। एमपी की तनख्वाह बढ़ना, एमपी के टीएडीए बढ़ना एक आलोचना का बिंदु है, ये मैं नहीं स्वीकार। मैं चाहूंगा इस पे सीमन सरकार कोई ना कोई जवाब दे। सरकार की तरफ से मैं चाहता हूँ कुछ उत्तर आए। ये विषय इम्पॉर्टेंट विषय है, मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ। कारण क्या है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते मैंने भी खुद इस विषय के बारे में थोड़ा अध्ययन किया है और मैं एक बार आपका जो भावना है वो मैं हमारा नेता सदन जो वित्त मंत्री भी है उनका ध्यान में रहेंगे और आगे जब
उचित तो मौका आएगा उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। सदन में संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने बुधवार 27 दिसंबर 2017 को शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में जानकारी दी। I rise to announce that government business during the week commencing Wednesday, the 27th of December 2017, will consist of one consideration of any items of government business carried over from today's order paper consisting of consideration and passing of the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill 2017 as passed by Lok Sabha, b consideration and passing of the State Bank Repeal and Amendment Bill 2017 as passed by Lok Sabha, third consideration and passing of the National Bank for Agriculture and Rural Development Amendment Bill 2017 as passed by Lok Sabha, further consideration and passing of the Whistleblowers Protection Amendment Bill 2015 as passed by Lok Sabha, consideration and passing of the Prevention of Corruption Amendment Bill 2013 as reported by Select Committee of Rajya Sabha, discussion of statutory resolution seeking disapproval of the Goods and Service Tax Compensation to States Amendment Ordinance 2017 number 5 of 2017 and consideration and passing of the Goods and Service Tax Compensation to States Amendment Bill 2017 after it is passed by Lok Sabha, discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Ordinance 2017 number 7 of 2017 and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2017 after it is passed by Lok Sabha to replace an ordinance, discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Indian Forest Amendment Ordinance 2017 number 6 of 2017 and consideration and passing of the Indian Forest Amendment Bill 2017 as passed by Lok Sabha, consideration and passing of the following bills as passed by Lok Sabha, the repealing and amending bill 2017, b the repealing and amending second bill 2017, c the Central Road Fund Amendment Bill 2017, consideration and return of the appropriation bill relating to second supplementary demands for grant including railways for 2017-18 as passed by Lok Sabha, consideration and passing of the National Capital Territory of Delhi Laws Special Provision Second Amendment Bill 2017 after it is passed by Lok Sabha। और आइए अब हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता पंचानन मिश्रा का। पंचानन, अभी हम विजय गोयल को सुन रहे थे, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, जो कि अगले हफ्ते के कामकाज का ब्यौरा दे रहे थे। लेकिन आज भी जिस तरह का नजारा हमें देखने को मिला है, लगातार कांग्रेस ने फिर अवरोध पैदा किया, आज भी कामकाज नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल यही है कि सत्र छोटा है, काम होगा या नहीं? बिल्कुल ठीक है, यही बात विपक्ष ने उठाई थी। और ये जब विजय गोयल जी ने जो पूरा एजेंडा अगले हफ्ते का पेश किया था, उसमें सवाल उठा था कि लगभग 20 घंटे से ज़्यादा का ये कामकाज है और सदन का जो समय है बहुत कम बचा हुआ है, तो ये कैसे हो पाएगा। उसमें सरकार की ओर से यही कहा गया था कि विपक्ष को सहयोग देना होगा और जो सरकारी कामकाज है उसके बाद ही निपट सकता है। लेकिन गतिरोध अभी भी कायम है, क्योंकि जो आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और ज़रूरी काम निपटाया गया, जो पत्र रखे गए, उसके ठीक बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक मनमोहन सिंह वाले मामले पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव में बयान दिया था, जब तक उस पर गतिरोध नहीं टूटता, एक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता, तब तक सदन की कार्यवाही वो नहीं चलने देंगे। इसी वजह से सभापति ने सदन की कार्यवाही को स्थगित किया, लेकिन बीच का रास्ता कोई निकल नहीं पाया। दो दौर की बैठक हो चुकी है, जैसा कि उन्होंने सदन को बताया भी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में दो दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई बीच का रास्ता निकला नहीं है। हालांकि कांग्रेस प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग को छोड़ चुकी है, वो स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को आकर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ये बयान किस लिए दिया गया और क्यों दिया गया, जबकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष को यह बताना चाहिए कि यह बैठक आखिर हुई तो इसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं दी गई। ये अभी दोनों में गतिरोध कायम है और इसको दूर करने की कोशिश हो रही है, और कोशिश यही है कि अब आगे के जो दो हफ्ते बचे हैं उसमें कैसे कामकाज को निपटाया जा सके, क्योंकि कार्यवाही अब 5 तारीख तक चलनी है, 5 जनवरी तक, और काम के दिन कम हैं, बिल ज़्यादा हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुँचाने के लिए। तो हमने राज्यसभा की बात की और अब नज़र लोकसभा पर डालते हैं, जहाँ भी कांग्रेस सांसदों ने आज फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पर कथित टिप्पणी का मामला उठाया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दुबई में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर
उनकी तारीफ की। प्रश्नकाल के दौरान नर्सों के वेतन बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे का विकास और राष्ट्रीय पोषण मिशन समेत कई अहम प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा सदन में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, महेश शर्मा समेत कई मंत्रियों के अपने अपने मंत्रालय से जुड़े अहम पत्र पेश किए गए। लोकसभा के एजेंडे में आज 5 अहम विधेयक हैं, जिन्हें विचार और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। लोकसभा में नियम 193 के तहत दक्षिण भारत में ओखी तूफान और देश के अलग अलग इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं पर आज चर्चा जारी है। हाल ही में चक्रवाती तूफान ओखी ने केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई थी। तूफान की वजह से 88 लोगों की जान चली गई थी। With immense pain and agony, I am trying to invite the attention of this august house relating to the deadly cyclone incidents which has happened at the coast of Bay of Bengal. Madam, as cyclone has seriously affected the southern coastal region of Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep on 13th morning onwards, 30th of November morning onwards. Being a member of parliament from that coastal constituency, and a witness of this deadly cyclone, I would like to point out some important facts in front of this august house. Madam, in Kerala alone, more than 75 persons were dead so far. And in the case of Tamil Nadu, more than a dozen of people are being killed. Hundreds of people are still missing, madam. Hundreds of fishermen are still missing. और सीधा रुख करेंगे रविंद्र सिंह शौराना, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आज भी कांग्रेस की तरफ से मसला उठाया गया, लेकिन एक अच्छा संकेत है कि लोकसभा में कार्रवाई चल रही है और हमने देखा अब तक कई अहम मसले उठाए गए और अब ओखी तूफान और प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा जारी है, एक अच्छा संकेत। जी प्रीति, आज भी जिस तरीके से जब सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के दौरान शुरू हुई तो कांग्रेस के सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के नज़दीक आकर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष के बार बार मना करने के बावजूद जब वो अपनी सीट पर नहीं गए तो अध्यक्ष ने गतिरोध के बीच ही सदन की कार्रवाई को जारी रखने का फैसला किया। कुछ भी कई जो अहम प्रश्न हैं उनका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया, जिनमें सबसे खास था कि जो हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें सरकार 15% अधिक पैसा इस बार अगले चालू वित्त वर्ष में लगाने वाली है। उसके अलावा कुल 27% ज़्यादा पिछले वर्ष के मुकाबले में हेल्थ, जो देश भर में हेल्थ है उसके लिए लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि किस तरीके से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसके काम की सराहना विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे भी हो रही है और देश भर में जो टाइगर्स है उनकी संख्या 2010 के मुकाबले में 2014 में काफ़ी करीब 20% तक बढ़ गई थी। इसके अलावा आधारभूत जो ढांचा है देश का, ग्रामीण और शहरी जो आधारभूत ढांचा, उसको विकास करने के लिए एक सवाल पूछा गया, जिसके बदले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार की प्राथमिकताएं गांव भी है और शहर भी है और दोनों का समान तरीके से विकास हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, हर क्षेत्र, हर गरीब आदमी और हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार बखूबी निभाने की कोशिश कर रही है और अगले साल के अंत तक हर घर को बिजली पहुँच जाए, इस तरह का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद जब दूसरा घंटा यानी कि शून्यकाल जब शुरू हुआ तो उस वक्त एक बार फिर से कांग्रेस के सदस्यों ने वही गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष के मना करने के बाद उन्होंने वॉकआउट सदन से कर दिया। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आज सदन में भोजन अवकाश के लिए सदन नहीं उठा है और ओखी जो तूफान है जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसमें जान माल की भारी नुकसान हुआ था अपने दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर, उस पर चर्चा चल रही है और उम्मीद है कि भोजन अवकाश क्योंकि अभी तक हुआ नहीं और उसके बाद, और इसके अलावा 5 जो अहम बिल थे वो भी आज सदन में प्रस्तुत किए गए, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी कि ट्रिपल तलाक के संबंध में बिल आ जाएगा वो आज बिल नहीं आया, वो शायद अगले हफ्ते के लिए जो कार्यसूची है उसमें अभी लिस्ट किया गया है। अभी तक जो लिस्टेड कामकाज है उसके हिसाब से लोकसभा में कार्यवाही चल रही है। फिलहाल रविंद्र, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब संसद के बाद कुछ और अहम खबरों का करते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज फैसला हो सकता है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर शिमला में कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने गुरुवार को एक साथ और अलग अलग विधायकों से बैठक करके उनकी राय जानी थी। 68 सदस्यों वाले हिमाचल विधानसभा में बीजेपी ने इस बार
44 सीटें जीती हैं। और इस बीच प्रेम कुमार धूमल के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बैठक स्थल पर नारेबाजी की। चुनाव के वक्त बीजेपी ने धूमल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया था, हालांकि वो सुजानपुर से चुनाव हार गए। उधर गुरुवार को राज्यपाल ने हिमाचल विधानसभा तत्काल प्रभाव से भंग कर दी। सीधा अपने संवाददाता अखिलेश सुमन का रुख करेंगे। अखिलेश, शानदार बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापसी कर रही है बीजेपी और इस समय मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इस बैठक से इतर हम देखें तो प्रेम कुमार धूमल के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि विधायक दल में से ही किसी को मुख्यमंत्री चुना जाए। ऐसे में क्या पहलू होंगे जिन पर गौर किया जाएगा मुख्यमंत्री का नाम चुनते वक्त? क्या चर्चाएं चल रही हैं फिलहाल? देखिए, तीन नाम बहुत ज़बरदस्त चर्चा में है। एक तो प्रेम कुमार धूमल का दावा है ही, क्योंकि ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे लेकिन वे विधायक नहीं बन पाए। दूसरे जेपी नड्डा हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन वे भी विधायक नहीं हैं। और जो दूसरे विधायक हैं वे हैं जनार्दन ठाकुर, जयराम ठाकुर, उनके बारे में है सबसे ज़्यादा तेज कि वो एक ऊर्जावान हैं, संघ के भी काफ़ी करीब हैं। और उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि 2019 का चुनाव अगर पार लगाना है हिमाचल प्रदेश में तो उसमें भी उनकी अच्छी खासी शिरकत हो सकती है, क्योंकि वे जिस जाति से प्रेम कुमार धूमल हैं उसी जाति से जयराम ठाकुर भी हैं। और वह जो राजपूत जाति है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी संख्या है, उनकी 35 से 38% उनकी संख्या है, और इसलिए उनके नाम की दावेदारी सचमुच सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी जो निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर ने वहाँ जो नेताओं से बात की है, अभी वो MLA से भी बात कर रहे हैं, और उस बात करने के बाद अभी थोड़ी देर में वहाँ से दिल्ली के लिए वे रवाना होंगे। और दिल्ली में आके जो अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको वो अपनी तरफ से सूचनाएं देंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं, और ऐसे में नाम की घोषणा दिल्ली से ही की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी उम्मीद यही की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम पर आज फैसला हो जाएगा, और हो सकता है कि ये नाम आज शाम तक हम सबके सामने भी हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ गुजरात में आज बीजेपी नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक होगी। बैठक दोपहर 3:30 बजे गांधीनगर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जीतू वघानी ने बताया कि बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक अरुण जेटली और सरोज पांडे भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राज्य बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी वी सतीश भी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल राज्यपाल OP कोहली को इस्तीफा सौंप दिया। रूपाणी को नए मंत्रिमंडल के शपथ तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को कहा गया है। 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने इस बार 99 सीटें जीती हैं और वो प्रदेश में लगातार 6ठी बार सरकार बनाएगी। हिमाचल में आज कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। ये बैठक शिमला में पार्टी मुख्यालय में होगी। बैठक में राज्य में कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे, प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खा, निवर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में नेता विपक्ष के चयन के लिए प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। उधर गुजरात में कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज 3रा दिन है। इसमें चुनाव नतीजों की विस्तृत समीक्षा और 2019 के आम चुनाव के लिए रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। गुरुवार को चिंतन शिविर के दूसरे दिन पार्टी नेताओं ने EVM पर संदेह जताया और दावा किया कि अगर मतपत्रों का इस्तेमाल होता तो पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर होता। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श हाउसिंग घोटाले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द कर दी है। ये मंजूरी महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि CBI चव्हाण के खिलाफ नए सबूत देने में नाकाम रही। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन केंद्र और एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने इसे और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने आर्थिक क्षेत्र की मजबूती के लिए कई कदम उठाए हैं। GST, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इजाफे से देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली है। World class infrastructure in terms of convention and exhibition facility is very essential to promote trade and commerce not only in the country but also across the world.
A growing and vast economy like ours needs high-quality venues to host government-to-government, business-to-business, and business-to-consumer events. The city of Delhi and the National Capital Region to require such a modern facilities of international standards to attract major events from across the world. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साहित्य लेखकों से सामाजिक मुद्दों पर लिखने को कहा है ताकि समाज में समानता और सौहार्द बढ़ सके। उन्होंने कल कविता संग्रह सामिप की प्रति स्वीकार करते हुए ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों के खास गुणों को तराशने पर भी जोर दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार शाम सेवानिवृत्त आईएएस प्रेम नारायण की ओर से रचित काव्य संग्रह सामिप्य की पहली प्रति का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों को हमेशा गतिशील होना चाहिए जिससे वो समाज में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि लोगों के कौशल को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना सरकार और समाज का कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता है। There is a talent in everybody. Even the cook also has a talent, a washerman has a talent, weaver has a talent, or a goldsmith has a talent, or a fisherman has a talent. There is talent, abundant talent. उस टैलेंट को पहचान के उनको थोड़ा प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाना ये सरकार का और समाज का कर्तव्य होता है। कार्यक्रम में कवि और किताब के लेखक प्रेम नारायण ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में अधिकतर कविताएं मनुष्य के संबंधों और समाज के आपसी रिश्तों से जुड़ी हैं, क्योंकि समरसता समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने किताब की चुनिंदा कविताओं का पाठ भी किया। सामीप्य सिखाता नवचिंतन, अद्भुत अद्भुत से स्पंदन, अभिमान त्याग बस बन विनम्र, कैसे करते हैं अभिनंदन। तेरी जीवन शैली बदले, आह्लाद हट उन्माद हटे सौहार्द जगे, तेरी जीवन शैली बदले उन्माद हटे सौहार्द जगे, पल पल में तू भावुक हो जा, अपनों का ही संसार लगे। सामिप्य कविता संग्रह राजपथ प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। कार्यक्रम में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा समेत कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की नसीहत दी है। उपराष्ट्रपति कल दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। पत्रकारिता के लिए बेहतर संस्थान के मकसद से दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की शुरुआत की गई है। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के छात्रों को निष्पक्ष रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साथ देश हित का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि सभी छात्रों को एमए भी अपनी भाषा में ही करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सनसनीखेज खबरों से बचने की सलाह भी दी। ट्रूथ शुड नेवर सैक्रिफाइस एंड सेंसेशनलिज्म शुड नेवर प्रिवेल ऑन रियलिटी बिकॉज इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन विद कंफर्मेशन इज मोर देन एन अम्युनेशन। अंडरस्टैंड दिस। इंफॉर्मेशन विद कंफर्मेशन इज मोर देन एन अम्युनेशन। To fight against corruption, to fight against black money, to fight against social evils, to fight against disparities, to fight against discrimination. This information is confirmation that gives you more courage and conviction, capacity to withstand. This is the duty of the journalists. उपराष्ट्रपति ने कहा कि खबरों के साथ विचारों को मिलाने और पेड न्यूज की परिपाटी का बंद होना पत्रकारिता के लिए अच्छा होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई होगी। कार्यक्रम में सलाहकार समिति के अध्यक्ष और पत्रकार राम बहादुर राय, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश कुमार त्यागी भी मौजूद थे। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डोकलाम विवाद सुलझने के बाद भारत और चीन के बीच आज पहली बार सीमा मसले पर बातचीत हो रही है। दिल्ली में हो रही इस वार्ता में भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हिस्सा ले रहे हैं। चीन की तरफ से स्टेट काउंसलर यांग जेची शामिल हैं। दिन भर चलने वाली बैठक में डोकलाम समेत सीमा मसले से जुड़े तमाम मुद्दों पर वार्ता होगी। डोकलाम विवाद 16 जून को शुरू हुआ था।
भूटान के दावे वाले इस इलाके में चीन सड़क बनाने की तैयारी में था। चीन के जवाब में भारत ने भी अपनी सेनाएं तैनात कर दी। ये इलाका भारत से सटा है, यहाँ से एक संकरा रास्ता गुजरता है जो पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। 28 अगस्त को भारत और चीन में आपसी सहमति के बाद दोनों देश सेनाएं हटाने पर सहमत हुए। संयुक्त राष्ट्र ने यरूशलम को इजराइल की राजधानी घोषित करने के अमेरिकी फैसले के खिलाफ भारी मतों से प्रस्ताव पारित कर दिया है। भारत ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अरब और मुस्लिम देशों के अनुरोध पर यह प्रस्ताव पेश हुआ था। आपात बैठक में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। भारत समेत 128 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 9 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। 35 देश वोटिंग से अलग रहे। प्रस्ताव में यरूशलम की स्थिति बदलने वाले किसी भी फैसले को अवैध मानने की मांग की गई थी। वोटिंग से पहले अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने चेतावनी दी थी कि जो देश प्रस्ताव के समर्थन पर मतदान करेंगे, अमेरिका उनकी आर्थिक मदद बंद कर देगा। इससे पहले सोमवार को भी सुरक्षा परिषद में अमेरिका के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव आया था, जिस पर अमेरिका ने वीटो कर दिया था। इसराइल ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि फिलिस्तीन ने समर्थक देशों का धन्यवाद दिया है। आज क्रिकेट की, भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इंदौर में मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। श्रीलंका की टीम को कटक में T20 सीरीज के शुरुआती मैच में 93 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। इस मैच में श्रीलंका टीम पर जीत का दबाव होगा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।